थे, जहां यूटीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा पहुंचे हैं ग्रेटर नगर निगम। निगम मुख्यालय में बने क्रैच में पन्नाधाई शिशु पालना गृह का जायजा लिया है। नगर निगम ग्रेटर मेयर सौम्य गुर्जर भी इस दरमियान मौजूद रही। लंबित पट्टों के संबंध में जानकारी ली गई। नगर निगम ग्रेटर स्थित कॉल सेंटर पर आमजन से फोन पर बात की, शिकायतों के निस्तारण के संबंध में फीडबैक लिया। झुंझुनू में 26 अगस्त से खेल सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है, जिसका समापन 31 अगस्त को होगा। आज राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर सुबह खिलाड़ियों ने स्वर जयंती स्टेडियम से प्रभात फेरी निकाली। इसके बाद इस स्टेडियम के सिंथेटिक ट्रैक पर रोड प्रतियोगिता की। वहीं बगड़ में हॉकी का मैच भी खेला गया। जिला खेल अधिकारी राजेश ओला ने बताया कि हर दिन विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है, वहीं प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कृत किया जाएगा। आज राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य में स्वर्ण जयंती स्टेडियम में खेल सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। आज मेजर ध्यानचंद जी का जन्मदिवस है, उसके ऊपर हमने सुबह सुबह प्रभात फेरी, कम से कम 150-200 खिलाड़ियों ने पूरे शहर में मंडावा मोड़ और बस स्टैंड होते हुए वापस स्टेडियम आके ख़त्म किए। उसके बाद 800 मीटर की दौड़ हमारे सिंथेटिक ट्रैक पे कंपटीशन करवाया है। आज राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य में स्वर्ण जयंती स्टेडियम में खेल सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। आज मेजर ध्यानचंद जी का जन्मदिवस है, उसके ऊपर हमने सुबह सुबह प्रभात फेरी, कम से कम 150-200 खिलाड़ियों ने पूरे शहर में मंडावा मोड़ और बस स्टैंड होते हुए वापस स्टेडियम। अब खबर झालावाड़ के खानपुर से है, जहां राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय झालावाड़ के अतिक्रमण के मामले को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जिला प्रशासन और अतिक्रमण माफियाओं के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। साथ ही गुदरी चौराहे पर पुतला फूंक कर विरोध प्रदर्शन किया गया। वहीं मुख्यमंत्री के नाम SDM को ज्ञापन सौंपा गया। बारह से करीब 80 किलोमीटर की दूरी पर शहबाद का किला अपनी मजबूती के लिए जाना जाता है। इसे 16वीं शताब्दी में निर्मित कराया गया था। घने जंगली इलाके में सीना ताने है किला कुंडा खो घाटी से गिरा है और इसकी दीवारें कुछ उल्लेखनीय संरचनाओं से सुसज्जित हैं। घूमने के लिए आया था। हेलो, देखा कि अगर 12 की 200 रुपए की दादी, हम ये कहें कि सुंदरता कहीं है तो वह साबान में है। यहाँ पे कुंडा खो बहुत अच्छा झरना है। यहाँ जो किला है उसमें अच्छा काम हुआ है, अच्छा इसको मनमोहन बनाया जा रहा है, अच्छा सुंदर है, दृश्य अच्छा है। और कहा जाता है कि सुंदरता की पहाड़ियाँ अगर कहीं पे प्रदर्शित करती है अपने जिले को तो। जिला कलेक्टर रविंद्र गोस्वामी पहुंचे इटावा क्षेत्र के दौरे पर, बारिश के बाद के हालात का जायजा लिया है। पीपलता तहसीलदार से क्षेत्र में बारिश से हुए नुकसान के बारे में पूरी जानकारी ली है, चर्चा भी की गई। जिला कलेक्टर गोस्वामी ने खेत पर जाकर हालात देखे, क्षेत्र के प्रशासनिक अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। वांछित अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत आज जोधपुर के चामू थाना पुलिस में अफीम तस्करी के इनामी आरोपी को गिरफ्तार किया गया। जोधपुर ग्रामीण पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र यादव ने बताया कि वांछित अपराधियों की धर पकड़ के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है और इसी अभियान के तहत झवर थाना क्षेत्र के रहने वाले इनामी आरोपी को चामू पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस आरोपी पर 20,000 रुपए का इनाम घोषित था। फिलहाल पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करने के साथ ही कार्रवाई कर रही है। वांछित अपराधियों की धरपकड़ और मादक पदार्थों की तस्करी संबंध में लगातार अभियान चल रहा है। इसी क्रम में चामू थाना ने झवर थाने का निवासी जो है, जो हमारे 2022 के मुकदमे में अफीम तस्करी के मामले में वांटेड चल रहा था, उस पे उसकी गिरफ्तारी की है, जिस पे इनाम भी घोषित। और डीडवाना शहर में स्थित जाट समाज के किसान छात्रावास की भूमि पर गत दिवस नगर परिषद की ओर से अपनी संपत्ति होने का बोर्ड लगाने का मामला गरमाया गया था। नगर परिषद की इस कार्रवाई को लेकर जाट समाज में रोष है। आज जाट समाज के लोग इकट्ठा होकर जिला कलेक्टर पहुंचे, जहां उन्होंने कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर जाट हॉस्टल की जमीन से बोर्ड हटाने की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी कि अगर बोर्ड नहीं हटाया गया तो सोमवार को नगर परिषद का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा।
जाट समाज ने बताया कि जिस जमीन को नगर परिषद ने अपनी संपत्ति बताते हुए बोर्ड लगाया था, वो जमीन जाट बोर्डिंग हाउस के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। साथ ही ट्रस्टी के रूप में चेनाराम का नाम भी दर्ज है। जो डीडोना में जाट हॉस्टल की खातेदारी की जमीन है, इस जमीन को कब्जाने की नीयत से ईओ साहब ने पहले वहाँ पे जो नींव खोदी हुई थी उसको समतल किया और फिर कल शाम को वहाँ पे अपना बोर्ड लगा दिया कि ये संपत्ति जो है वो नगर परिषद की है। तो ईओ साहब प्यार से समझते हैं तो ठीक है, नहीं तो सोमवार को उनका घेराव करेंगे। और हम वो ताकत भी रखते हैं कि हम नगर परिषद में बोर्ड हमारा लगा सकते हैं कि ये संपत्ति हमारी है। अगर वो हमारे में लगाएंगे तो हम भी वहाँ पे हमारा बोर्ड लगा सकते हैं। ये जो पूरा मामला है, ये किस्सा जाट बोल्डिंग की जो ज़मीन है खातेदारी की, जो जाट बोल्डिंग के ट्रस्ट के नाम है, किस्सा नंबर 1331 है, वो काफ़ी समय से उसका एक हिस्सा थोड़ा बाहर पड़ा है। बाकी की चार दीवारी कर ली तो उसमें से कुछ हिस्सा बाहर रह गया था, जिसको सेटलमेंट के अधिकारियों ने भी आके नाप लिया और वो हमारी ज़मीन थी। उस पर पहले भी, आज से 10 साल के लगभग पहले भी, वहाँ पड़ोस में दो है जो जिन लोगों ने कब्जा करने की कोशिश की थी, वो कब्जा हटा के फिर वो ज़मीन ऐसे ही पड़ी थी। फिर जब जरूरत पड़ी तो एक तो स्वामी परिवार को वहाँ के किसान। और पाली से बड़ी खबर बता देते हैं, सिरवी समाज ने किया पुलिस अधीक्षक कार्यालय का घेराव। सिरवी समाज ने निकाली आक्रोश रैली, कलेक्टर एलएन मंत्री और एसपी चूनाराम जाट को ज्ञापन सौंपा गया है। हेमाराम सिरवी के परिवार पर जानलेवा हमला से जुड़ा ये पूरा मामला है। आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से समाज में रोष है। रैली में पाली सांसद पीपी चौधरी, अखिल भारतीय सिरवी युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश चौधरी भी मौजूद रहे। राजस्थान विश्वविद्यालय की पूर्व छात्रा और गोल्ड मेडलिस्ट पवित्रा भारद्वाज को देश के विख्यात दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले सुप्रसिद्ध कॉलेजों में से एक कमला नेहरू कॉलेज की प्रधानाचार्य के रूप में नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति कॉलेज के लिए अहम मानी जा रही है, क्योंकि कॉलेज पिछले 7 वर्षों से बिना स्थायी प्रधानाचार्य के था। उनकी नियुक्ति के साथ यह उम्मीद की जा रही है कि कॉलेज न केवल अपने पुराने गौरव को पुनः प्राप्त करेगा, बल्कि नए उच्च शिखरों को भी छुएगा। प्रोफेसर भारद्वाज ने संस्थान की प्रतिष्ठा को बढ़ाने और NIRF रैंकिंग और समग्र शैक्षणिक वातावरण में सुधार के लिए कड़ी मेहनत करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। और झुंझुनू के नवलगढ़ में लोक देवता बाबा रामदेव जी का प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा मेला भरता है, और ये लक्खी मेला 13 सितंबर से शुरू होगा, जिसकी तैयारियों में प्रशासन और पुलिस जुट गई है। गत दिनों ही विधायक विक्रम सिंह जाखल की अध्यक्षता में प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक हुई थी। वहीं अब DSP मनोज गुप्ता ने मंदिर और मेला परिसर का जायजा लिया। DSP मनोज गुप्ता ने बताया कि मेले में राजस्थान समेत पूरे देश से श्रद्धालु आते हैं, ऐसे में कानून व्यवस्था के लिए मंदिर और मेला परिसर का जायजा लिया गया है। बैरिकेडिंग लगाने, ट्रैफिक व्यवस्था, पार्किंग व्यवस्था के अलावा पुलिस चौकी स्थापित करने जैसी बातों को लेकर जगह भी देखी गई है। कि ट्रैफिक आने वाला पार्क कहाँ हो सकता है, लोग स्मूथली कैसे आ जा सकते हैं, वन वे कैसे किया जा सकता है, दर्शनार्थी प्रवेश करें जब भीड़ रहे तो एक गेट से प्रवेश करें, दूसरे गेट से बाहर निकल जाए, इसी प्रकार से उनके जूते की व्यवस्था एक ऐसी जगह की जाएगी जो बाहर निकलने के बाद वो अपना जूता प्राप्त कर लें। मेले में पुलिस चौकी कहाँ की जाएगी जो सूटेबल जगह हो उसको देखा गया है। जहाँ जहाँ आने जाने के दौरान कहाँ कहाँ पार्किंग दी जा सकती है, कहाँ कहाँ बैरिकेडिंग की जा सकती है, किस किस जगह कौन कौन सा जाप्ता, कितना जाप्ता लगाना है, इस सब को लेकर अभी SSO साहब और हमने विजिट। और बांसवाड़ा से उदयपुर रोड पर बांसवाड़ा से सलूम्बर तक टोल मुक्त साल 2021 में ही हो गई थी। टोल वसूलने की अवधि पूरी कई दिन पहले भी टोल को लेकर हुआ था, टोल पर हंगामा। अब संभागीय आयुक्त नीरज के पवन ने टोल हटाने के निर्देश दे दिए हैं। PWD ने बताया कि फिलहाल इन टोल मालिक के पास नहीं है कोई वैध दस्तावेज। इसके बाद संभागीय आयुक्त ने टोल मुक्त का आदेश दे दिया। आमजन ने संभागीय आयुक्त का आभार जताया है। बांसवाड़ा से सलूम्बर तक टोल समाप्त हो जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं होते ही न्यायिक विवाद में वो चला गया था और उस वजह से वो लगातार कंटिन्यू चल रहा था, लेकिन अभी कोर्ट से उसको कोई स्टे नहीं है, ऐसा हमें SCPWD ने बताया है। तो ऐसी स्थिति में उसको
आम जनता की राहत को देखते हुए उसको खोल दिया गया है। ये जो तीनों टोल हैं जो अभी रास्ते में पड़ते हैं, वो तीनों टोल को खोलने के निर्देश, अगर उसके पास कोई सक्षम न्यायालय का कोई स्थगन आदेश नहीं है तो उसको जनता से वसूली करने का कोई अधिकार नहीं है। आज हमने हमारे अधिकारियों को भेज करके वो टोल को खुलवा दिया। डूंगरपुर के सीमलवाड़ा में उपचुनाव की तैयारियों में जुड़ी बीजेपी ने 84 विधानसभा क्षेत्र की संगठनात्मक बैठक ली। भाजपा प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष डूंगरपुर जिले के दौरे पर रहे। प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल और डूंगरपुर प्रभारी मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने बैठक ली। इस दौरान पीठ सलारेश्वर मंदिर में भाजपा की संगठनात्मक बैठक ली। बैठक में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी और प्रभारी मंत्री ने 84 विधानसभा उपचुनाव को लेकर संगठन को मजबूत करने को लेकर बात कही गई। वहीं बैठक को प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मदन राठौर ने संबोधित किया और कहा कि भाजपा का कार्यकर्ता हमारी बड़ी पूंजी है, कार्यकर्ताओं का सम्मान करना हम सभी का दायित्व है। ये पूरा का पूरा आदिवासी भीलवासी क्षेत्र हमेशा राष्ट्रवादी रहा, इसने देश के मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए हमेशा बलिदान किया। हम जब भी महाराणा प्रताप की कल्पना करते हैं तो हमारे सामने जो चित्र आता है महाराणा प्रताप का अकेला नहीं आता, महाराणा प्रताप के साथ राणा पूंजा का। महाराणा प्रताप की 19,000 सेना में 1,000 भील सिपाहियों की जो भूमिका थी, उन्होंने अपने तीर कमान से 85,000 लोगों को मार दिया था। तो ये इतना त्यागमय समाज है, इतना बलिदान करता है भारत के लिए, राष्ट्रीयता का भाव इनके अंदर इतना है। कुछ कारण थे, कुछ लोगों ने उनके मन में गलत तरीके का जहर बोने का प्रयास किया, उनको तोड़ने का प्रयास किया, एक क्षणिक था। लेकिन आज जो मैंने उत्साह देखा है अपने वरिष्ठ नेताओं में भी, अपने सामान्य कार्यकर्ताओं में, अब हो गया, अब ये सीट ऐतिहासिक। मैं नया बना हूँ प्रदेश अध्यक्ष, इसलिए मैं अपने परिवार से मिलने के लिए आया हूँ, उनसे बैठ करके चर्चा करते हैं, संपर्क करते हैं, संगठन को मजबूत करने के लिए आपस में बैठ के चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं। तो चर्चाएं तो होती है क्योंकि चुनाव होना है इस इलाके में, तो थोड़ी बहुत गपशप चर्चाएँ होती है, तो वही चर्चा कर रहे हैं हम लोग। विशेष रूप से केंद्र में नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार, उसने भी बहुत अच्छा बजट दिया है, और राजस्थान में भी भजन लाल जी की सरकार ने भी बहुत अच्छा बजट दिया है। तो दोनों के बजट हम जनता के सामने रख रहे हैं, हमारे कार्यकर्ताओं को बताते हैं कि भाई इन बजट को लेकर के आप जनता के बीच में जाओ, जरूरतमंद व्यक्ति को इसका लाभ दिलवाओ, सरकार का सहयोग, तो कार्यकर्ता भी काम करेगा, सरकार का सहयोग करेगा, मतलब लोगों को लाभान्वित करेगा, तो लोगों को फायदा होगा। हमारा लक्ष्य है कि हम आम आदमी को मजबूत करना चाहते हैं। और जयपुर से बड़ी खबर आपको बता देते हैं, निर्माण कार्य की खुदाई के दौरान हादसा हुआ है। वाटर हार्वेस्टिंग के लिए खोदे गए गड्ढे में युवक फंसा है। पाइपलाइन डालने के दौरान यह हादसा हुआ, तकरीबन 8 फीट नीचे युवक दबा हुआ है। SDRF और सिविल डिफेंस की टीम मौके पर रेस्क्यू कर रही है। करणी बिहार थाना पुलिस मौके पर मौजूद है। विराट कृष्ण अपार्टमेंट की साइट पर यह हादसा हुआ है। बड़ी जानकारी, विराट कृष्णव अपार्टमेंट की साइट पर यह हादसा हुआ है। बड़ी लापरवाही यहां पर देखने को मिली है, हालांकि अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। नीरबल की जिंदगी बचाने में रेस्क्यू टीम लगी हुई है। बेधड़क सवाल है, हादसे का आखिरकार जिम्मेदार कौन है? क्या मौके पर सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं किया गया? मजदूरों की जान की आखिर परवाह कौन करेगा? और खबर अलवर से है, जहां मुंजावर थाना प्रभारी राजीव डूडी की कार्यशैली से नाराज विधायक ललित यादव ने थाने के सामने धरना दे दिया। विधायक का कहना है कि थाना प्रभारी कानून व्यवस्था पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। विधायक ने थानाधिकारी पर अवैध वसूली भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कहा कि थानाधिकारी ने अवैध वसूली के लिए अपने दलाल छोड़ रखे हैं। इस दौरान विधायक के साथ दर्जनों ग्राम पंचायत के सरपंच और ग्रामीण भी धरने में मौजूद रहे।
केकड़े जिले के हिंगोनिया ग्राम के पास स्थित ताई नदी की रपट में बहने से दो भाइयों की मौत हो गई। पानी का बहाव इतना था कि 24 घंटे बाद शव की तलाश पूरी हुई। बुधवार की शाम को बड़ला ग्राम निवासी व्यक्ति से सामान खरीदकर वापस अपने गांव जा रहे थे। इसी दौरान पानी की रपट से बाइक निकलते वक्त तेज बहाव के कारण संतुलन बिगड़ गया और दोनों युवक बाइक सहित ताई नदी में बह गए। जानकारी मिलने पर पुलिस उप अधीक्षक हर्षित शर्मा सहित प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। तुरंत बचाव दल को बुलाया गया। गुरुवार से बचाव दल दोनों युवकों की तलाश कर रहा था। दूसरे दिन दोनों लापता युवकों के शव बरामद किए गए। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिए गए हैं। झुंझुनू के चिड़ावा कस्बे में एक बुजुर्ग महिला से देव दर्शन के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। दरअसल पिलानी रोड पर दुर्गा टॉकीज के पास बने शिवालय में 65 वर्षीय सरोज टेलर दर्शन पूजन के लिए जा रही थी। इसी दौरान रास्ते में एक अज्ञात युवक ने पहले डॉक्टर का पता पूछा और उसके बाद बातों में उलझाकर महिला को भगवान के दर्शन करवाने और घर के कष्ट दूर करने के लिए महिला के सारे गहने पूजा की थाली में रखवा लिए, जिसके बाद महिला को कुछ कदम चलने को कहा। महिला के जाते ही गिरोह बनाकर मौके पर ही मौजूद चार ठग दो बाइकों पर फरार हो गए। फिलहाल पीड़िता की शिकायत पर पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। ये बोला ना आप 10 कदम चल के और ये प्लेट ये इसको दे दो। उसका ही साथी था, वो बाद में पता चला उसका दोनों गायब हो गए थे, उसका ही साथी था। फिर बोले वहां वापस आ गई तो प्लेट थी। बोले आपको भगवान के दर्शन हुए नहीं हुए, आप दोबारा जाओ प्लेट इसको दे दो और एक काम करो ये सोने चांदी की खोल के इस प्लेट में रख दो। मैंने रख दी तो उसने उन्होंने क्या जादू किया पता नहीं, और फिर दोबारा मेरे को इतनी देर में तो वापस आए। फिर बोला और अब खबर कोटपूतली से है, जहां नारायणपुर कस्बे में एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ का अलवर जाते वक्त कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। नारायणपुर पहुंचने पर कांग्रेस नेता राकेश दायमा के नेतृत्व में स्वागत किया गया। इस दौरान नारायणपुर में विनोद जाखड़ ने युवाओं को संबोधित किया। हमारे राकेश दायमा जी बहुत पुराने साथी हैं, बहुत मजबूत लीडर हैं। ये एनएसयूआई में भी रहे, यूथ कांग्रेस में भी हैं और हमेशा लोगों के बीच में रहते हैं। तो इनका फ़ोन आया तो ये तो हमारे पुराने साथी हैं, तो हम तो बिल्कुल हमारे भाइयों से मिलकर जो है साथ में चलते हैं। सबसे मैं धन्यवाद भी देता हूँ राकेश जी का, इनकी पूरी टीम का, कि आपने बहुत ज़बरदस्त जोश के साथ स्वागत किया।